हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा 9वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हों तो लाइक करें और उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो मित्र आपके सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को किया गया लाइक और उस पर किया गया कमेंट तथा हमारी वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो यह वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? पहला ऑप्शन है आपका विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने निरंतरता सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ऑप्शन दूसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपका ऐसा सिद्धांत है जो केवल बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। इसके अनुसार बालक के विकास पर सबसे अधिक उसके प्रभाव आप कहें तो उसके प्रवेश या उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और यह प्रवेश जो होता है यह उस बालक के जन्म व निवास स्थान से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपके सामने बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध, दूसरा ऑप्शन है बालक के लिए भोजन का प्रबंध, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रबंध, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने बालक के लिए आवास का प्रबंध। तो एक जो शारीरिक विकलांग, वह आपका शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, संवेगात्मक दृष्टि से हो सकता है या मानसिक रूप से। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा, बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उच्च सुविधा का प्रबंध होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आप अपनी कक्षा में कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाली विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? पहला ऑप्शन है आपके सामने प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, फोर्थ है आपका प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो अगर आप अपनी कक्षा में कुछ शिक्षार्थियों को यानी 6 महीने के अंतराल पर कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या चुनेंगे? तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि हम प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि के बारे में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है आपके सामने खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, दूसरा है खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, तीसरा है खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है, फोर्थ है आपके सामने ये सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो आपका सृजनात्मकता में सहायता नहीं करता? तो पहला है आपका सामने खेल, दूसरा है भाषण, तीसरा है हास्य क्रियाएं, फोर्थ है आपका निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो जो सृजनात्मक के विकास में जो सहायक तत्व तो नहीं है वह आपका भाषण यानी खेल, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं और आपके जो हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं आदि सभी आपके सृजनात्मकता के विकास में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा, भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण कर सकेंगे? तो आपके सामने ऑप्शन है पहला, यानी आपको उसके सामने यह उसके समस्या के बारे में व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण के बारे में व्यक्त कर पाता है यानी इसके बारे में पता करना है, तो आप उसके लिए किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? तो ऑप्शन है पहला आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न,
तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फोर्थ है आपके सामने वैकल्पिक प्रश्न। तो इसमें आपका अगर आपको किसी के दृष्टिकोण, मूल दृष्टिकोण और व्यक्तिगत दृष्टिकोण के बारे में जानना है तो हम उसके बारे में निबंधात्मक प्रश्न देकर उसका यह सब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा, निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए, यानी बालकों के स्वभाव को समझना है तो शिक्षकों को किस विषय का अध्ययन करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपके सामने सामाजिक विज्ञान, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा है बाल मनोविज्ञान, फोर्थ है आपके सामने भौतिक मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो एक शिक्षक को बच्चों के स्वभाव को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके सामने यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, दूसरा है इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, थर्ड है आपके सामने इसमें सूचना अध्यापक द्वारा तय की जाती है, एकत्र की जाती है, फोर्थ है इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। तो आकलन की विशेषता नहीं है क्योंकि इसमें आपका इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं की जाती, तो यह आकलन की अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व माध्यमिक कक्षा में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं, यानी जो पूर्व माध्यमिक कक्षाएं जो होती हैं उनमें छात्राएं जो छात्र होते हैं उनकी उनकी अपेक्षाकृत अधिक कुशल होती हैं। आप नंबर फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने पठन गति में, दूसरा है शैक्षिक अभिक्षमता में, तीसरा है बुद्धि में, फोर्थ है आपका शारीरिक लंबाई में। तो जो पूर्व माध्यमिक कक्षाएं जो होती हैं वह छात्राएं छात्रों की अपेक्षाकृत व शैक्षिक अभिक्षमता में अधिक कुशल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, आप निम्न में से किसे इसकी हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? ऑप्शन पहला आपके सामने उसकी अंत इच्छा, दूसरा है आपके सामने उसका ऑप्शन उसका सामाजिक सामाजिक वातावरण, तीसरा है उसके उसका आपके प्रति द्वेष, नेक्स्ट आपका कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका। तो इसके प्रति आप उसके सामाजिक जो सामाजिक वातावरण है उसके आसपास का जो परिवेश है यह उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि इससे कक्षा कक्षा का अनुशासन बना रहता है, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं होती, तीसरा है शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, फोर्थ है शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा कि एक शिक्षण के रूप में शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब शिक्षक अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है तो उससे शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति जो उनके मन में विचार आ रहे हैं उनको प्रस्तुत करने का मौका या अवसर मिलता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, दूसरा है उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना, तीसरा है उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, फोर्थ है आपका शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, जो शिक्षार्थी के प्रेरक हैं उनका मार्गांतरीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 12 का 4th ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है, आपके सामने पहला ऑप्शन है उसकी मुख मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है अंतर्निरीक्षण, तीसरा ऑप्शन है उद्दीपकों की प्रतिक्रिया और आपके सामने 4th ऑप्शन है उसके हाथों की स्थिति। तो किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों को विश्लेषण करने के लिए उसके सबसे उपयुक्त जो तरीका होता है उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, ऑप्शन तीसरा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी बालक के सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है अधिगम
किस सिद्धांत के आधार पर बालक में प्रेम, भय एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो आपके सामने सिद्धांत दे रखे हैं। पहला है अनुभवजन्य का सिद्धांत, दूसरा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, फोर्थ है आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही सिद्धांत हैं। इनमें से आपको बताना है कि किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय प्रेम घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसमें आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सही होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि आपकी पावलोव द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कॉलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, उसके अंतर्गत उनकी उनके द्वारा कितनी अवस्थाओं की पहचान की गई है? आपके सामने ऑप्शन है एक, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है तीन और फोर्थ ऑप्शन है फोर। तो उनके द्वारा जो नैतिक विकास की तीन अवस्थाओं की पहचान की गई है, जो लॉरेंस कॉलबर्ग का सिद्धांत है उसे हम नैतिक विकास सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह भी प्रश्न कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? आपके सामने ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने, कॉल्विन ने या थॉमसन ने। यानी व्यक्ति और अपने वातावरण के साथ समायोजन या सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है, यह परिभाषा आपकी कॉल्विन द्वारा दी गई है। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है आपके सामने बालक की आर्थिक स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है बालक की सामाजिक स्थिति पर, तीसरा ऑप्शन है बालक की इच्छा एवं रुचि पर, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने लास्ट बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पर। तो आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उनके आधार पर हम एक समर्थक के रूप में बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, इसके लिए हम समर्थन देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? ऑप्शन है सामान्य शिक्षा का, दूसरा है समस्या समाधान का, तीसरा है सामुदायिक मांग का, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तार्किक चिंतन होता है आपका वह समस्या समाधान का एक आवश्यक अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व तो है पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना। दूसरा है आपके सामने ऑप्शन जितना संभव हो सके गतिविधियां करना, तीसरा है कठोर अनुशासन बनाए रखना, अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन है। यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि वातावरण जो होता है वह भारी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है? पहला ऑप्शन है आपके सामने वुडवर्थ का, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने रॉस का, नेक्स्ट है जिसबर्ट का, तीसरा है एनास्टरी का। तो इसमें आपका वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन आपका रॉस द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? पहली अवस्था के बारे में संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यानी वह कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है? तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, अधिगमकर्ता की आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है? पहला है आत्म अनुशासन और नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने अपने अधिगम के अन्वेषण करने की योग्यता,
तीसरा है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय। फोर्थ है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से तात्पर्य आपका आत्म अनुशासन और नियंत्रण, यानी विद्यार्थी जो होता है उसके अंदर आत्म अनुशासन और उसके अंतर्गत वह स्वयं पर नियंत्रण करना जानता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्द संबंधी समस्या को कहते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्फेजिया, तीसरा है असोबोलिया, तीसरा है डिस्प्रेक्सिया, फोर्थ है आपका डिसकैल्कुलिया। तो गर्द संबंधी जो समस्या होती है बच्चे को अधिगम करने में वह डिसकैल्कुलिया के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किसी बालक की आकलन में संज्ञान का महत्व है। पहला ऑप्शन है आपके सामने बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, दूसरा है बच्चों की आंतरिक उथल पुथल ज्ञात करने में, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, फोर्थ है बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो जो आकलन में संज्ञान का महत्व जो होता है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्वली चिंतन, दूसरा है सृजनात्मक चिंतन, तीसरा है आपका अभिसारी चिंतन और फोर्थ है आलोचनात्मक चिंतन। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसमें सही उत्तर। जब कोई बालक अपने विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो वह आपका स्वली प्रकार का चिंतन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिन शिक्षार्थियों की वो जो शैक्षिक उपलब्धि होती है औसत से कम होती है तो इसके पीछे प्रमुख कारण नहीं है। वातावरण का प्रभाव, स्वभाव संबंधी दोष, नेक्स्ट है उच्च बौद्धिक क्षमता और अगला है कर्तव्य त्याग्यता। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा क्योंकि यह आपकी उसकी समस्या का प्रमुख कारण नहीं है। तो अगर किसी बच्चे की जो शैक्षिक उपलब्धि है वह किसी कारण औसत से कम है तो जो उच्च बौद्धिक क्षमता है वह इसका प्रमुख कारण नहीं होती। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27 है संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है जानना, भूलना, देखना या फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सुनना। तो संज्ञान का सामान्य बोलचाल में जो अर्थ होता है वह आपका होता है जानना। 27 का पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बनाता। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने सक्रियता द्वारा, दूसरा है दृश्य प्रतिमा द्वारा, सांकेतिक द्वारा, सूझ द्वारा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो बालक होता है वह अपनी मानसिक जो रूप को नहीं बनाता है वो उसमें आपका सक्रियता द्वारा ही बनाता है, दृश्य प्रतिमा द्वारा और सांकेतिक द्वारा। तो आपका एक ऑप्शन बचता है सूझ द्वारा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 28 का फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका डैश शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने क्रोध, दूसरा है आवेग, संवेग या प्रेरणा। तो आपका जो संवेग होते हैं वे किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने, उत्तेजित होने या आपका प्रेम का प्रदर्शन करने, ये सभी उसको दशा को सूचित करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा संवेग। आज का अंतिम प्रश्न प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनमें सफल कार्यक्रम करने के लिए किस एक योग्यता विकास आवश्यक नहीं है। नए शब्द को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर देखना है। सामान्य रूप से कक्षोन्नति, नेक्स्ट है पाठ्य सगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता और शैक्षिक व्यक्तिगत ध्यान। तो आपका इसमें जो एक जो प्रतिभाशाली शिक्षा की योग्यता का विकास के लिए जो आवश्यक नहीं है वह है आपका सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता। जबकि एक प्रतिभाशाली शिक्षक है वो प्रतिभाशाली अगर विद्यार्थी है तो उसको तो सामाजिक अनुभवों से उसकी समीपता होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स यह थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न 500 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।